हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज गोभी के पकोड़े बनाएंगे। कैसे बनाते हैं चलो देखते हैं। मैंने एक कप बेसन लिया है, हरी मिर्ची, नमक, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये मैंने एक गोभी का फूल लिया है छोटा, इसको धो के लिया है। ये बेसन है, बेसन का अच्छे से बैटर बनाएंगे। मैंने एक गिलास पानी लिया है, इसका एक स्मूथ बैटर बनाएंगे। पहले पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे जिससे गुठलियाँ पड़ जाएंगे इसमें। थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालेंगे और एक स्मूथ बैटर बनाएंगे, ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा गाढ़ा। फिर थोड़ा पानी डालेंगे, अच्छे घुमा के उसका बैटर बनाएंगे स्मूथ। हमारा बैटर रेडी है। आपको गाढ़ा पतला लगे तो थोड़ा पानी डाल सकते हैं, पतला हो जाए तो थोड़ा बेसन डाल सकते हैं। उसमें स्मूथ बैटर बनाना है। हमारा बैटर रेडी है। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, धनिया पाउडर, आप हरा धनिया भी ले सकते हैं, जीरा पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्ची, दो तीन हरी मिर्च, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं आप। उनको मिक्स करेंगे अच्छे से। थोड़ा पानी और डालेंगे, बैटर तैयार। अब एक पैन ले लिया, उसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, इसमें बैटर डाल के देखेंगे जरा सा। देखो ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें बैटर में गोभी को अच्छे से मिक्स करके एक एक करके डालेंगे। एक एक करके गोभी को डाल लिया है। अच्छे से डीप करके उस एक एक डालना है। अच्छे से सेक लेंगे एक साइड से इनको। एक साइड से हमारे फ्राई हो गए, अब इनको पलटी कर लेंगे। मैंने हाथ से किया है, आप करछी से कर लेना, हाथ जल जाएगा। दूसरी तरफ से भी अच्छे से सेक लेंगे। हमारे सिक्के रेडी हो गए, अब इनको हम निकाल लेंगे।
और इसी तरह हम बचे हुए गोभी के पकोड़े और तल लेंगे। इसे डीप कर करके बैटर में फिर डालेंगे चारों तरफ से। इनको सीखने देते हैं। हमारे एक तरफ से सीख गए, पलटी कर लेते हैं फिर से दूसरी तरफ। दूसरी तरफ भी बन के रेडी हो गया। अभी मैंने भी निकाल लेते हैं और निकालने के बाद सर्व करते हैं। चाय के साथ खा सकते हैं, सॉस के साथ। सर्दी में, बारिश में बहुत टेस्ट आता है। अभी